गाइस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस व्लॉग इज जो ईद है, बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद वो आ रही है, दैट इज अप नेक्स्ट। सो ये देखिए भेड़ बकरियां, कितना ब्यूटीफुल साउंड है, साउंड ऑफ नेचर। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हमारी आज की व्लॉग की कहानी है कि मैं घर में बैठा था तो आई गॉट टू हेयर सम नॉइस, पता चला कि भेड़ आ गए हैं। कुर्बानी का टाइम है बिकॉज सैक्रिफाइस करना पड़ता है ईद कुर्बान में, जिसको ईद उल अदा कहते हैं। तो मैं यही आगे चला गया बिकॉज ये मेरे घर के नुक्कड़ वाला रास्ता है, यहाँ पे अच्छा खासा फील्ड है, तो मुझे पता लग गया भेड़ आए हैं, तो इन नन्ने मुन्ने साथियों से मिलते हैं। सो इस व्लॉग में आप बहुत कुछ होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मीट द शीपी शीपी। So guys, this is the beauty of Kashmir. 5-10 मिनट के लिए बाहर निकले and see, this is our heaven. ये एक अलग ही नज़ारा, बिल्कुल मेरे घर के सामने, क्या बात है भाई, यही तो जिंदगी है। So this is Kashmir, lust giving you this opportunity to witness the raw life of Kashmir and Kashmiri people. Guys, the best part about दिस व्लॉग इज जो ईद है, बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद वो आ रही है, दैट इज अप नेक्स्ट। तो ये देखिए भेड़ बकरियां, कितना ब्यूटीफुल साउंड है, साउंड ऑफ नेचर भाई, ये नेचर साली कश्मीर में मिलेगा आपको। एंड ये देखिए, आई मीन लुक एट दिस, इसके पीछे जाते हैं। ये आवाज है कानों में, एक दिल में असर कर रही थी। And when you sit with these sheep, you really found solace, you really feel a peace of mind, simplicity. जानवर को क्या पता ज़्यादती मुसीबतें क्या झेलनी पड़ती हैं, जानवर की ज़िंदगी बहुत सादा होती है। तो it was a great moment for me. I got to hear the shepherd is outside and we stepped into this area and it was an amazing moment with these sheep. बहुत ही अच्छे, अल्लाह की रहमत है, ये इतना प्यार और सुकून मिलता है इनके पास बैठो, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज दिस इज़ द फ्लॉक ऑफ शीप, आप यहाँ देख सकते हैं कितने भेड़ है मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक। एंड आई एम यूजिंग GoPro राइट नाउ, बहुत मज़ा आ रहा है यार ये चीज़ें, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच कश्मीरीज लिव, मदहोश कर देने वाली चीज़ें, एक सादगी वाली ज़िंदगी। ये भेड़ नहीं, हमारे लिए जान से भी ज़्यादा कीमती जानवर है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। रंग बिरंगे भेड़ हैं, किस किस किस्म के, क्योंकि कुर्बानी का जो टाइम है वो आ रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। रजौरी के भाई जो थे यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो देखिए कितने रंग बिरंगी भेड़ हैं, दिस इज़ ब्यूटीफुल मैन। गाइज मेरे साथ है रजौरी के भाई खान भाई, जो एक्चुअली इसके मालिक है, शेफर्ड है। तो खान भाई कितना टाइम हो गया आपको रजौरी से कश्मीर ये ट्रांसपोर्ट करने में, कितना टाइम लगा? कम से कम 10-12 महीने है। ये रजौरी से नहीं लाया, ये मैंने यहाँ गांव से लाया, ये ना गांव से लाया। तो रजौरी से आप यहाँ पे ये बिजनेस कर रहे हैं? हाँ बिजनेस होता है, 3-4 महीने पालते हैं उनको, और अपना भी होता है कुछ। तो कैसा लग रहा है कोविड में, इन दिनों क्या एहतियात बरत रहे हो? हाँ मास्क तो लगाया नहीं, मरवाएगा मेरे को भी है। सो गाइज वेलकम टू चैनल कश्मीर लाइफ, हाजिर खिदमत है आपका जानसार ज्ञान। ये एक छोटा सा वीडियो था, सो गाइज लेट मी टेल यू अबाउट दिस वीडियो, बिकॉज जो चरवाहे होते हैं शेफर्ड, शेफर्ड्स की बात करें गुजर बकरवाल ट्राइब्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से, रजौरी से, किश्तवाड़ से, मुगल रोड से, या आप नेशनल हाईवे रोड से जो हमारा नॉर्मली है, महीनों महीने, दो दो महीनों में, कभी कभी पहाड़ों में,
ये अपने जो इनके फ्लॉक होता है, फ्लॉक ऑफ शीप्स होते हैं, भेड़ बकरी मवेशी जिन्हें कहते हैं, स्टोर करते हैं उनको, फिर एक ईद के टाइम भी, कुर्बानी के टाइम भी शहर में लाते हैं, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, श्रीनगर एरिया, पुलवामा हो, गांधरबल हो, सोपोर हो, किसी भी एरिया में ये लोग फिर कैंप लगाते हैं और वहाँ पर ईद के दिन जब आपको कुर्बानी करनी होती है बहुत अच्छा खासा प्राइज मिलता है इनको। लेकिन इस प्राइज के एवज में इनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, पूरा पूरा खानदान इनके पीछे पीछे, इन भेड़ बकरों बकरियों के पीछे, मवेशियों के पीछे लग जाता है। छोटे आपने देखा कितने नन्हे मुन्ने भेड़ थे, हाउ हाउ स्वीट दीज शीप्स वर लुकिंग, द स्मॉल वंस, इट वॉज अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू शेयर योर टाइम विद एनिमल्स। अब मैं समझता हूँ जो भेड़ बकरियाँ हैं उनके साथ बैठ के आपको बड़ा प्यार आता है, मेरे को तो बड़ा खुशी महसूस होती है इनके सामने बैठना, इनके साथ देखना, और छोटे छोटे भेड़, मैन यू फील दे रियली लुक सो क्यूट। एनीवेज गाइज, डे वन का वीडियो आप पीछे देख लें चैनल में, जो अरफा है, प्रिपरेशन है, मार्केट कैसा था वो भी देख लें, और कल होगा अरफा मींस डे बिफोर द ईद, कल फिर मैं जाऊंगा ब्लॉग बनाने के लिए, कल देखते हैं कि श्रीनगर लाल चौक एरिया क्या चल रहा है, ईद का कैसा प्रिपरेशन है वो भी चढ़ाएंगे, और ईद के दिन तो आने ही आने, सो बैक टू बैक ब्लॉग्स हैं। कीप योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस कश्मीरी ब्रदर। सो भाई दिल खोल के ईद की गुड विशेज तमाम अहले इस्लाम को, अपने मुस्लिम भाई बहनों को, और अपने हिंदू भाई बहनों को भी, क्रिश्चियन भाई बहनों को भी, सिखों को भी, बिकॉज इस्लाम जो है वो इट इज़ फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। सो लॉट्स ऑफ लव, बेल आइकन दबाने का, कश्मीर लास्ट इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, और यहाँ तो है ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक बाकी नए ब्लॉग जो हैं प्लीज बेल आइकन दबाओ, बिकॉज यू आर मिसिंग दम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।